क्योंकि जब फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि वो न्यू टैक्स रेजीम लाने वाली हैं और वो डिफॉल्ट हो जाएगा, काफ़ी लोग उसमें कंफ्यूज हो गए, समय पर ऑप्ट नहीं कर पाए कि न्यू टैक्स रेजीम ऑप्ट करें, ओल्ड टैक्स रेजीम ऑप्ट करें। मेरे देखे हुए एग्जाम्पल्स हैं और अभी हमें सवाल भी मिल रहे हैं उस पर। तो जिन लोगों ने ये गलती कर दी, सपोज़ जब ये अनाउंसमेंट हुई और उस समय उन्होंने ओल्ड टैक्स रेजीम वो ऑप्ट नहीं कर पाए और न्यू टैक्स रेजीम में चले गए, अब उनके लिए क्या ऑप्शन है? पूजा, इसमें अभी जो हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं, मैं पहले तो उनके साथ अपने आप को शामिल करने के लिए धन्यवाद करता हूं, क्योंकि रुमटा जी को हम देखते आए हैं काफ़ी समय से और मुझे मौका मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छा सौभाग्य है मेरा। मैं ये कहना चाहता हूं, और भांगड़ा जी ने जो राय दी, मैं उनके साथ एक सहमत हूँ कि कंजम्पशन बढ़ाने के लिए किया था। देखो, नीयत को समझना होता है, नीति जब बनती है उसके पीछे एक नीयत भी होती है, किस नीयत से कोई काम किया जा रहा है। ये जो इंटेंशन है और ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं, ये बहुत ही, मैं कहूंगा, गजब के हैं। हम लोगों से ज्यादा डाटा है, हम जो लोगों से ज्यादा इंसाइट है, इसलिए उसको गलत समझ करके नहीं चलना चाहिए, बल्कि उसको ज्यादा समझ लेना चाहिए कि हमारे लिए कहाँ फायदा है। तो इसको कंपेयर करने के लिए हम हमेशा कहते हैं, आपका जो भी सिचुएशन है उसको कंपेयर करो, दोनों रेजिम में टैक्स को कंपेयर करो। और जहां तक रुमटा जी का एक ये था कि भाई लोगों को फोर्स नहीं करना चाहिए, सर जैसे कभी कभी नालायक बच्चों को हमें माँ बाप के लिए होता है ना, फोर्स करके ही उनको हम उनका करियर या उनकी लाइफ बेटर कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी नहीं है, नया नया पैसा बच्चों के हाथ में आया है और जो पुरानी जनरेशन थी वो तो शायद बचा लेती थी, और यहाँ पर बचत का एक ये फोर्स तरीका तो था, पर शायद इसमें थोड़ी बहुत जो भी मिस सेलिंग थी उसको करेक्ट कर रही थी सरकार। तो मेरी राय तो ये है कि इसमें ओल्ड टैक्स रिजीम में कहीं ना कहीं हम अपने फ्यूचर को सेफगार्ड कर रहे थे, चाहे वो मेडिकल था, चाहे वो टर्म इंश्योरेंस था, चाहे वो परक्विजिट्स में हमारे जो भी बेनिफिट्स मिले हुए थे वो ज्यादा फायदेमंद थे। हाँ, न्यू टैक्स रिजीम में एक और फायदा है, जो बिजनेसमैन है, जो जो बिजनेस क्लास है, उसको इन्होंने फायदा कैसे पहुंचाया, ईज ऑफ बिजनेस। अब आपको एम्प्लॉयज से ज्यादा कुछ सरदर्दी नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं लेने हैं, कोई प्रूफ वेरिफिकेशन नहीं है, तो दे हैव सेव्ड, कहते हैं ईज ऑफ बिजनेस, उस डायरेक्शन में ये एक अच्छा कदम है। तो लेकिन फिर भी मैं अब एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को कहूंगा, ये जिम्मेदारी अपने ऊपर है। जिस तरह गब्बर को गब्बर ही बचा सकता था उसके भय से, तो आपको भी आप खुद ही बचा सकते हो। दोनों रेजिम में कंपेयर करो और उसके बाद ही फैसला लो। अब जिन्होंने बाय डिफॉल्ट वर्ड को नहीं समझा, टेक्निकल वर्ड था कि बाय डिफॉल्ट पहले जो है वो ओल्ड टैक्स रेजिम रहेगा, लेकिन इस साल से वो न्यू टैक्स रेजिम हो गया, उनके पास ऑप्शन ये है कि वो अपनी टैक्स सेविंग जारी रखें और अपनी टैक्स प्लानिंग है इसको क्लेम करें, जो भी टैक्स सेविंग है वो अपनी रिटर्न फाइलिंग के समय, ये ऑप्शन आपके पास आज भी है, तो उसको छोड़े नहीं। लेकिन जिन्होंने नहीं की है और कोई टैक्स प्लानिंग और न्यू टैक्स रिजीम में, अब उनको कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी, क्योंकि टैक्स स्लैब्स ऑलरेडी कम है, तो उसको जितना भी बचता है टैक्स उससे ही खुश रहें और अपना कंजम्पशन का ही आनंद लें।